कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़ ये है कि ये जो लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, जो सोशल डिस्टेंसिंग हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि आप लोग अपने कॉन्टैक्ट्स, कॉन्टैक्ट्स माने जिन लोगों से आप रोज़ मिलते हैं, उन कॉन्टैक्ट्स को कम करिए। ये सारा जो प्रयास किया जा रहा है, पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के आदेश के बाद, वो इसीलिए किया जा रहा है कि लोगों के कॉन्टैक्ट्स कम हों। अगर आपके घर में कोई ड्राइवर, कोई काम करने के लिए और घर का काम करने के लिए कोई आ रहा है, या घर में कोई भी अनवांटेड आदमी कोई खाना बनाने के लिए आ रहा है, तो वो आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं और इस लॉकडाउन का उसको उल्लंघन हम लोग माना जाएगा। ये लॉकडाउन में आप लोग को घर का काम सारा खुद से ही करना है, बाहर से कोई आदमी आपके घर में नहीं आना चाहिए वो काम करने के लिए, क्योंकि वो भी आप ये समझिए कि वो आप लोगों का कॉन्टैक्ट बनता है और आप उसका कॉन्टैक्ट बनते हैं। तो अगर कभी भी जैसे अभी दादरा नगर हवेली में एक पॉजिटिव केस आने का खबर आई है कल, तो उनके जो कॉन्टैक्ट की लिस्ट है उसमें अगर घर में काम करने वाली औरत भी हो, ड्राइवर भी हो, बाहर सिक्योरिटी गार्ड भी हो, तो आप ये समझिए कि उस पॉजिटिव केस के कॉन्टैक्ट की लिस्ट बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी और बहुत लोगों को अफेक्ट करेगी। तो सबसे यही अपील है कि आप लोग अपने घर का काम आपस में बांट के, आप क्योंकि सब लोग घर पे ही रह रहे हैं, आपस में बांट के करिए। कोई भी आदमी बाहर से आपके घर में काम करने के लिए नहीं आना चाहिए, अगर आ रहा है तो उसको रोक दीजिए, अगर अभी तक आ रहा है तो वो गलत आ रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि जो लोग आपके घर में काम करते हैं और जिनको आप नहीं बुलाएंगे, उनको सैलरी नहीं रोकना है, उनका सैलरी पूरा दे दीजिए और उनको छुट्टी दे दीजिए। एटलीस्ट 15 तारीख तक, जब तक ये लॉकडाउन अनाउंस्ड है, 15 तारीख तक सैलरी देके उनको छुट्टी कर दीजिए। दूसरी चीज़ ये है कि अगर किसी भी आदमी को कोई भी जो सिम्टम है वो आ रहा है, जैसे कि बुखार है, खांसी है या सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो आप लोग ठीक होने का, खुद से ठीक होने का वेट नहीं करिए। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे ही आपको लगता है कि कोई सिम्टम है, आपके घर के जो सबसे पास में प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वहाँ पे जाइए और डॉक्टर को कंसल्ट करिए। और अगर किसी को ऐसा सिम्टम आ रहा है तो सरकारी PHC में ही सबसे पहले जाइए, अपने आसपास के किसी डॉक्टर से या घर पे ही कोई नुस्खा करने की आप कोशिश नहीं करिए। कोई सिम्टम है तो जाके वहाँ पे दिखाइए, सो दैट वी कैन रूल आउट एट एन अर्ली टाइम के आप लोग को कैसे ठीक करा जा सकता है, उससे आपकी सेहत भी ठीक रहेगी और आपके आसपास रहने वाले लोग हैं उनकी सेहत भी ठीक रहेगी। एक जो प्रशासन का निर्णय है जो मैं आप पे कन्वे करना चाहता हूँ, वो ये है कि कल से जितनी भी इसेंशियल सर्विसेज की दुकानें हैं, जो भी आज तक जो फूल की दुकान है, फल की दुकान है, या और जो इसेंशियल सर्विसेज की दुकानें अभी तक खुली थी, वो दुकानें सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुली रहेंगी और उसके बाद उन दुकानों को बंद करना है। इसमें जो है हमारा दवाई की दुकान, सारी दवाई की दुकान नहीं बट कुछ दवाई की दुकान हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं जो कि अपने रेगुलर आवर्स में खुली रहेंगी, वो लिस्ट हम लोग पब्लिक के लिए, आप सब लोगों के लिए सर्कुलेट कर देंगे। कोशिश यही रही है कि एक एरिया में एक ना एक दवाई की दुकान खुली रहे, ताकि आप लोग किसी को भी 1-1.5 किलोमीटर से ज़्यादा, कोशिश तो यही है कि उससे कम ही रहे, बट मैक्सिमम 1-1.5 किलोमीटर से ज़्यादा दवाई की दुकान के लिए किसी को ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा, वो दुकानें खुली रहेंगी। बाकी सब दुकानें दोबारा बता रहा हूँ कि 8 से 1 के बीच में खुली रहेंगी। अभी क्योंकि हम लोग हेल्थ की टीम्स और हम लोग की प्रशासन की जितनी टीम्स है वो इंटेंसिव सब लोगों के घर जा जा के विजिट करके आप लोगों से बात कर रहे हैं, आप लोगों के सिम्टम्स पूछ रहे हैं, आप लोगों के कोई तकलीफ है वो पूछने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों का पूरा सहयोग देना इस टाइम पर बहुत ज़रूरी है और वो आपके लिए अनिवार्य भी है कि आप लोग उन लोगों का सपोर्ट करें ताकि वो लोग अपना काम अच्छे से कर सकें। जो जो चीज़ वो लोग पूछते हैं आप उनको पूरा सच्चाई से और पूरी ईमानदारी से उस चीज़ का जवाब दीजिए, ताकि हम लोग जो भी कदम उठा रहे हैं वो ठोस कदम जो हैं वो इस संक्रमण को हमसे दूर रख सकें। अभी तक दमन में कोई भी पॉजिटिव केस नहीं आया और इस सब के लिए आप लोगों का बहुत जो है साथ हमें मिलता रहा है, प्रशासन को बहुत आभार भी हम लोग आप लोग का प्रकट करते हैं। ऐसे ही चलते हुए हम लोग को आगे चलना है और सबके साथ मिलके, हम सब लोग को साथ मिलके इस बीमारी से, इस कोरोना वायरस को अपनी टेरिटरी से, अपने क्षेत्र से, हमारे घरों से दूर रखना है। धन्यवाद।